अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। होली आप बच्चों का अच्छे से बीत गया, अब बारी है सीबीएसई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का, एक बार क्विक रिवीजन करने का, पूरे मैथ्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को करने का, वन शॉट रिवीजन का। आज का ये वीडियो मैं सीबीएसई 2021 के स्टूडेंट्स को डेडिकेट करती हूँ। आज के वीडियो का मेन मोटिव है कि 2021 में जो मैथ्स की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, अभी से कैसे पढ़ें कि वो एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। दो तीन चॉइस की बात करती हूँ। पहला, पढ़ने की बात करती हूँ, क्या क्या आप पढ़ें। 13 चैप्टर मैथ्स में हैं, 13 चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करें। पॉइंट नंबर वन नोट करते जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रही हूं। पॉइंट नंबर वन, वन शॉट रिवीजन। मैं रिकॉर्डेड सेशन के रूप में वन शॉट रिवीजन आपका करवाऊं या फिर लाइव के रूप में, तुरंत रिप्लाई करिए, कमेंट करिए कि वन शॉट रिवीजन मैं के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूं या लाइव डिस्कस करूं। जैसा कमेंट करेंगे वैसा मैं काम करूंगी। सेकेंड पॉइंट, मैम वन शॉट रिवीजन मैं खुद कर लूंगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवा दीजिए, यानी हर चैप्टर के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूं, यानी प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं मार्क आउट करके बताती जाऊं और डैम श्योर वही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेती हूं, आपको कमेंट करना है कि इंपॉर्टेंट सीरीज करना स्टार्ट करूं या वन शॉट रिवीजन करवाना शुरू करूं। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट के 5 वीटीएस बच गए हैं विक्ट्री टेस्ट सीरीज। याद होगा आप बच्चों को, ये रहा विक्ट्री टेस्ट सीरीज। आज हमारा 12वां टेस्ट है होली के बाद, और बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके भी मैं 5 टेस्ट ली थी। हमारे बच्चों का 100 में 100 आया, 99 भी आया। मैं व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाती रही, नेक्स्ट ईयर उन बच्चों को बुलाकर मोटिवेट भी करवाऊंगी। क्या आप बच्चे भी चाहते हैं कि सीबीएसई बच्चों का मोटिवेशनल लेक्चर अपलोड करूं? एक बच्ची है जो अभी पटना में है, सीबीएसई लास्ट ईयर मैथ्स में 95 लाई थी, ओवरऑल परसेंटेज 92 था उसका, एवरेज थी पढ़ने में, लेकिन मेहनत के बदौलत, विक्ट्री टेस्ट सीरीज के बदौलत बच्ची ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे आपकी बातचीत करवाऊं, उसका 2-3 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करूं बातचीत का, तो कमेंट करिए। अदिति पटना में ही है, उसको मैं बुलवा कर आप बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। क्या आप बात करना चाहेंगे? लास्ट ईयर सीबीएसई में हमारे यहां से 98 हाईएस्ट उठा था, लास्ट ईयर 98 उठा था, इस बार आप 100 ला सकते हैं, क्योंकि कई बार आप पोर्शन को रिवाइज कर चुके हैं और सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है। अभी से अगला 1 महीना मैं आप बच्चों के लिए लगातार प्रयासरत रहूंगी, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड करती रहूंगी। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की बात करूं तो क्वेश्चन में यूट्यूब पर अपलोड करूंगी, और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो उसका पीडीएफ बनाकर ऐप पर डाल दूंगी, जहां से आप ऑल 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देख सकते हैं। तो आप बच्चे कमेंट करिएगा कि अगला वीटीएस कौन कौन देने आ रहा है। एक बात और मेंशन कर दूं, विक्ट्री टेस्ट सीरीज 17 लेने हैं, 13 से लेके 17, 13, 14, 15, 16, 17, 5 टेस्ट अभी भी आपका बचा हुआ है। ये आखिरी के 5 टेस्ट आपका बोर्ड का रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। प्यारे बच्चे, ये 5 टेस्ट आप दे दो, सिर्फ ये 5 टेस्ट आप दे दो, हम देखते हैं कि आपको 100 में 100 लाने से कौन रोकता है
क्योंकि अपना टेस्ट का तरीका बहुत बढ़िया है, एकदम बोर्ड वाला फील करवाती हूँ, बोर्ड के जैसे कॉपी देती हूँ मैं टेस्ट में, ग्राफ के लिए ग्राफ कॉपी देती हूँ। टेस्ट में कोई बच्चा एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है, एक्सेसरी शेयर नहीं कर सकता है जैसा बोर्ड में होता है। बच्चे की कॉपी मैं चेक करती हूँ बच्चे के सामने, यानी जो गलती होनी है वो यही होनी है, कल नहीं होनी है, बोर्ड परीक्षा में नहीं होनी है। और जैसे ही आप टेस्ट खत्म करेंगे उसका सॉल्यूशन भी मैं तुरंत का तुरंत प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए जरूर दीजिए। और 15वें टेस्ट सीरीज जिस दिन है, हमारा टेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम डेट शीट व्हाट्सएप करिए, ऐप पर डालिए, मैं डाल दूंगी। अगला टेस्ट है 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 16 अप्रैल। मेरे दोनों सेंटर पे टेस्ट होता है, कंकड़बाग सेंटर पे सुबह में, बोरिंग रोड सेंटर पे शाम में। टेस्ट के तुरंत बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देती हूँ, ताकि आप बच्चे उसको जो क्वेश्चन नहीं बना है घर पर जाए तो बने और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग ला सके। इसी उम्मीद के साथ आज की बात खत्म करती हूँ कि आप बच्चे टेस्ट जरूर देंगे। और YouTube पर अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना, आपके मिशन में मैं लग जाती हूँ। थैंक यू।